जेवरा सिरसा चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम भटगांव में नाबालिग के साथ अनैतिक कृत्य करने का मामला सामने आया है, जिससे नाराज बजरंगियों ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जेवरा सिरसा चौकी के अंतर्गत भटगांव में जावेद खान नामक व्यक्ति के द्वारा 7 से 8 साल के बच्चे के साथ अनैतिक कृत्य करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी सूचना बच्चे ने अपने माता पिता को दी। फिर उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जेवरा सिरसा चौकी पहुंचकर दोषी व्यक्ति को सजा दिलाने व रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। जावेद खान नामक व्यक्ति के खिलाफ धारा 377, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जेवरा सिरसा में जो मामला आया बहुत ही दुखद है, और एक छोटे से बच्चे के ऊपर दुष्कर्म जो करने वाला व्यक्ति है वो मुस्लिम समाज का ही है, उसका नाम जावेद खान है। इसमें दिक्कत यह है कि जहां जावेद खान काम करता था वो एक कोई अलमारी का बनाने वाला कोई एक फैक्ट्री है, वहां वो काम करता था। वो मध्य प्रदेश से आया हुआ है, छोटा सा एक बच्चा है साहू परिवार का, वो खेलते खेलते उसका गेंद अंदर जाने से वो जब बच्चा गया तो उसके साथ दो और बच्चे थे, वो दो बच्चे तो चले गए लेकिन उस तीसरे को पकड़ लिया, उसने दुष्कर्म किया जब उसके साथ में, तो वो दो दिन तक के बच्चा कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि वो नानी गांव में आया हुआ था, वो कुछ बोल नहीं पाया बच्चे ने। बाद में जब दोस्तों के द्वारा मालूम चला कि इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तब जाकर के वहां का पब्लिक गांव वाले सब आक्रोशित हो गए। हमारे बजरंग दल के राजा साहू को, इंद्रजीत जी को तत्काल संपर्क किया गया और उसको बताया गया कि इस प्रकार की घटना हो गई है करके। तो वहां पर इतने हालात निर्मित हो गए थे रात के समय कि वहां पर हाथापाई भी हुआ है और उसको तुरंत पकड़ के थाने लाया गया है और थाने वालों ने जो कार्रवाई की है। तो आज हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर के जेवरा सिरसा के प्रभारी से बातचीत की कि उसमें अभी तक आपने क्या किया है, तो उन्होंने बताया 377, 508 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मैं समाज से अपील करना चाहता हूं कि पुलिस के भरोसे ही नहीं बैठना है, पुलिस तो अपना काम करती ही है, साथ में हमें भी जागरूक रहना है। और ऐसे घटिया तप्त के लोग, ये जो जावेद खान जैसा हिजड़ा, ये कमीना इंसान अगर इस प्रकार से हरकत कर रहा है, और भी इस प्रकार के लोग हैं जो गलत कार्य करेगा, उसके लिए समाज में जगह नहीं होना चाहिए। मैं इतना संदेश देना चाहता हूं कि सजग रहे, ध्यान रहे, अपने क्षेत्रों में कोई बाहरी तत्व तो नहीं आ रहा है उसको ध्यान में रखे। वो जो फैक्ट्री वाला है उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए हम पुलिस प्रशासन से बात करेंगे और पूछेंगे कि उसने अगर किसी व्यक्ति को बाहर से बुलाकर काम में रखा था तो क्या पुलिस वेरिफिकेशन करवाया था उसने, अगर नहीं कराया था तो उसको भी दोषी बनाना चाहिए। इस प्रकार से काम करने वालों को भी दंड देने की आवश्यकता है, तब जाकर के समाज सुधरेगा। देखिए, कारण ऐसा है कि हमारे गांव भटगांव में जो जेवरा सिरसा के अंतर्गत आता है वहां पे एक लड़का काम करता है जिसका नाम है जावेद खान, जो बाहर से जबलपुर का निवासी है, वहां से आया हुआ है। उसके द्वारा उसके ही पड़ोसी, जो कि फैक्ट्री के पास में ही उसका घर है, उसके साथ अनैतिक कार्य करने का कोशिश किया, एकदम घिनौना कार्य जो मैं अपनी जुबान से बता भी नहीं सकता। उस बच्चे का उम्र महज 7 से 8 साल है, उसके साथ वह अश्लील हरकत करते हुए पाया गया, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे जमाव किए हैं। हमारी ये मांग है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और उसके साथी जो जावेद खान है उसके साथी वहाँ नहीं रहने चाहिए, क्योंकि ये मामला अभी सामने आया है, इससे पहले भी उन लोग का हरकत ऐसा हो चुका है जो कि किसी कारणवश सामने नहीं आ पाया। आपका परिचय? मेरा नाम युगल साहू है, ग्राम भड़वां का निवासी।